हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का यूज के अंदर, लेकिन फिर भी जब कूड़ा अगर फेंको तो कूड़ेदान के अंदर ही फेंको। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप भी उनका सहयोग करें। किसान घाट की तरफ चलते हैं, देखते हैं किसान घाट कैसा है। हमारे पास एक घंटा है, एक घंटे में पूरा ब्लॉग बनाना है, देखते हैं कैसा बनता है ब्लॉग। बहुत अच्छा पार्क है, बहुत अच्छा, इसके अंदर घुस के इतना अच्छा नज़ारा है। खाली सामान लाने ही अलाउ नहीं है बस, बाकी सब अलाउ है यहाँ, बाकी सब अलाउ है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ अलाउ ना हो। भूखी होती है यहाँ, काफ़ी शांत, काफ़ी अच्छा पेड़ है ये, तो बाहर से ही दिखती है ये जो गुम्बद, ये जो चिमनी बनी हुई है, तो बाहर से ही दिख जाती है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है। साफ पहली बार आया हूँ मैं, बैठने की जगह इतनी अच्छी है यहाँ पे। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ मेरा घर ही आसपास होता ना, तो मतलब डेली आता है यहाँ पे। इतना ज़बरदस्त पार्क है, कोई मतलब रोक टोक नहीं, इतनी शांति, इतना मज़ा, कुछ भी मतलब वहीं भी बैठे रहो आप, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, एकदम मज़े से बैठो, कोई एंजॉय, एकदम मज़े से, जहाँ तक मज़ा। सब यहाँ फोटो वोटो भी खिंचाते हैं, बढ़िया फूल फूल हैं ही इतने अच्छे यहाँ पे, जो फोटो अच्छी आएगी यहाँ पे, फूल वगैरह डिज़ाइनिंग कटिंग वगैरह इतनी अच्छी कर रखी है ना, हाँ गजब एकदम। क्या बताऊँ, मैंने ऐसा पार्क नहीं देखा, सबकी समाधि है यहाँ पे, लेकिन इतना अच्छे अच्छे सजा रखा है, इतनी अच्छी सजावट है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा मज़ेदार। वृक्षारोपण के बारे में क्या रखा है, वृक्षारोपण वाकई करना चाहिए, क्योंकि वृक्षारोपण से ही तो हमारा जीवन है, वरना उसके बिगैर तो हम। ये फूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छे फूल, बहुत अच्छे लगे हुए हैं, लाल रंग के फूल। वृक्षारोपण के बारे में सब जगह बोल रखा है, प्लीज़ इसको फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। सभी स्वार्थ हमेशा हमें चिंताग्रस्त करता है, होता है कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा चिंताग्रस्त ही रहता है। चिंताग्रस्त इसलिए रहेगा क्योंकि वो अपने बारे में ही सोचेगा, समाज की भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए कहते हैं कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। जूते चप्पल उतारने का है, जैसे घास पे चलना है, वो अपने जूते चप्पल उतार के अपने घास पे चल सकते। इसके अंदर बड़े अच्छे पत्थर लगे हुए हैं, पहले तो ये पत्थर के ऊपर ना कंच नहीं था, दूर तो काफ़ी बड़ा है भाई ये। अब बच गए हैं दिन के 2:30, अब बहुत बढ़िया वाली धूप हो रही है, अच्छा गांधी जी के दर्शन कर सकते हैं ना। ये गांधी जी की समाधि बना रही, वो हमने ड्रोन शॉट लिया था जो ऊपर से दिखाया था, अब नीचे से दिखाते हैं, ऐसे अपने कैमरे से भी दिखाते हैं, देखते हैं वहाँ चल के जूते का कोई शुल्क है या नहीं है, वैसे तो निःशुल्क ही लिखा है, देखते हैं। बाकी उतारते हैं अपने जूते वूते, फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है अंदर। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, गाना भी यही चलता रहता है पूरे दिन यहाँ पे, और इतना मतलब इतना पुराना है लेकिन इतना मजबूत और अच्छा बना हुआ है ये, काफ़ी अच्छा। अहिंसा सत्य, इन सब के बारे में, अहिंसा सत्य के बारे में बता रखा है। आओ चलते हैं बंदर की साइड, गांधी जी की समाधि के दर्शन करते हैं। यहाँ भी वो पत्थर लगे हुए हैं जिन पत्थरों पे मतलब चलने से आराम मिलता है पैरों को, लेकिन अब तो जाल लगा दिया है क्योंकि काफ़ी पुराने पत्थर हैं ये, अब फूटने भी लग गए होंगे, कई साल पुराने हो गए ये पत्थर, इसलिए फूटने भी लग गए होंगे, वरना इन नीचे दरी लगी हुई है, काफ़ी अच्छी है, इस पर भी चल के बड़ा मतलब गर्म रहता है, मतलब नीचे ये पत्थर, ये यहाँ पे गांधी जी की समाधि है।
गांधी जी की समाधि है। यहाँ एक ज्योति हमेशा जलती रहती है। यहाँ आने के लिए आप रेल मार्ग से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अगर आप प्लेन वगैरह से आ रहे हैं तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा होगा। अगर आप बस अपने या निजी वाहन या बस से आना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। हर समय मतलब पूरे दिन रात मतलब यहाँ चलते ही रहते हैं। अग्नि जो दिख रही होगी आप लोगों को, यहाँ पर काले पत्थर से गांधी जी की समाधि बनाई गई है, वहीं पर गांधी जी को जलाया भी गया था। और यहाँ 2 अक्टूबर को बड़े बड़े नेता आकर गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। आई गए हैं तो और भी जगह आप घूम सकते हैं, बैर बीर भूमि, फिरोसा कोटला। और इस चरण में शाम को बहुत आकर्षक लगती है, इसका कोई टिकट नहीं है, आप यहाँ फ्री में आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ घूमना। बाहर निकलने का इधर से भी है, गाइस ये एग्जिट एंट्री है, यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। बहुत अच्छा है ये। ओए ओए करंट लग जाएगा इसमें, इसमें करंट आ रहा भाई। बच्चों का ख्याल रखें, ऐसे ना करने दें क्योंकि इसके अंदर करंट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अंदर मोटर वगैरह चल रही होगी तो करंट भी हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखें कहीं पर भी। ठीक है गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है गाइज, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आशा करता हूँ अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।